हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फार्मासेपियंस में। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड दैट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस की शुरुआत कैसे होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे सर्वाइव करता है, कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है और कैसे धीरे धीरे पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, यहां पर हम ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में बिल्कुल बेसिक से यहां पर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मोस्टली अफेक्ट लंग टिश्यू, ये लंग टिश्यू को अफेक्ट करता है ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर हम यहां पर ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट। ट्यूबरक्यूलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है जो एक माइक्रोब है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस टारगेट टिश्यू की अगर हम बात करें टारगेट टिश्यू जो यहां पे रहेगा वो रहेगा लंग टिश्यू। साइट ऑफ इंफेक्शन की अगर हम बात करें तो साइट ऑफ इंफेक्शन जो रहेगा पल्मोनरी एल्वोलाई। पल्मोनरी एल्वोलाई ऑफ लंग्स। सो पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टारगेट टिश्यू है यहां पर लंग टिश्यू एंड साइट ऑफ इंफेक्शन इज पल्मोनरी एल्वोलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम इज स्ट्रिक्ट एरोबैक्टीरिया एंड नीड्स ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल एंड इट इज द रीजन फॉर देयर साइट ऑफ इंफेक्शन लाइक एल्वोलाई वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। माइकोबैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम की हम ये बात कर रहे हैं तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है और इसको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यही कारण है कि यहाँ पे पल्मोनरी एल्वोलाई में इसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, इन्फेक्शन इससे रिलेटेड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जहां पर ज्यादा गैस एक्सचेंज होता है। इन दिस इन्फेक्शन इम्यून रिस्पॉन्स इज इन फॉर्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच मीन्स एंटीबॉडीज आर नॉट हेयर टू इरेडिकेट द पैथोजन्स। यहां पर जो एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो इन पैथोजन्स को इरेडिकेट नहीं करते हैं। यहां पर जो हमें हमारी सुरक्षा के लिए जो काम कर सकता था वो करता है मैक्रोफेज, लेकिन वो भी वहां पर पूरे तरीके से काम नहीं कर पाता है। काम कैसे नहीं कर पाता इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। द ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेडेड थ्रू एयर एंड माइकोबैक्टीरियम गेट्स एंट्री इनटू लंग्स एंड रिसाइड इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स। इसको हम इस तरह से देखते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम स्प्रेड होगा और एयर के थ्रू ये स्प्रेड होगा, एयर के थ्रू स्प्रेड होके ये लंग में जाएगा और लंग में जाके वहीं पर रिसाइड करेगा। सो ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेडेड थ्रू एयर एंड माइकोबैक्टीरियम गेट्स एंट्री इनटू लंग्स एंड रिसाइड इन पल्मोनरी एल्वोलाई। इसको इतना से हम देख सकते हैं, ये आपके ये बना मैंने, ये माइकोबैक्टीरियम है, ये एयर के थ्रू एंट्री हुई, नाउ इट विल रिसाइड इन पल्मोनरी एल्वोलाई। While
when they start their primary infection, जहां पर ये अपना primary infection start करेंगे, और यहां पर primary start करने के दौरान ये primary infection start करेंगे, तो यहां पर तीन cases यहां पर हो सकते हैं। इसमें पहला है आपका एलिमिनेशन, फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड वन इज रिटेंशन एंड थर्ड वन इज एक्टिव इंफेक्शन। पहले अगर हम बात करें, पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं एलिमिनेशन वाले फेज की। अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन, इन एलिमिनेशन फेज आवर इम्यून सिस्टम कंप्लीटली एलिमिनेट इन्फेक्शन। एलिमिनेशन फेज में हमारा इम्यून सिस्टम कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा इन्फेक्शन को। मतलब अगर इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि उसने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, मतलब इस इन माइकोबैक्टीरियम से, इस हमें ट्यूबरक्लोसिस का यहां पर कोई भी खतरा नहीं है। सो इन एलिमिनेशन फेज और इम्यून सिस्टम कंप्लीटली एलिमिनेट्स इन्फेक्शन। दूसरा फेज आता है आपका रिटेंशन वाला फेज। रिटेंशन वाले फेज में इम्यून सिस्टम सप्रेस द इंफेक्शन बट बैक्टीरिया रिमेन वायबल, एंड इन दिस केस वी कैन सेट लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड विच इज मोस्टली असिम्टोमेटिक। मीन्स इम्यून सिस्टम ने हमारे इंफेक्शन को सप्रेस कर दिया लेकिन बैक्टीरिया एलिमिनेट नहीं हुआ है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो भले ही कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन वो प्रेजेंट रहेगा, और इसी को हम यहां पर बोल सकते हैं, इस फेज को हम यहां पर बोल सकते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। इस फेज को हम यहां पर बोल सकते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, और ये सबसे खतरनाक है आपका एक्टिव इंफेक्शन। माइकोबैक्टीरिया इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स स्प्रेड द इन्फेक्शन टू लंग टिश्यू एंड देयर विल बी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरिया ने इवेड कर दिया इम्यून रिस्पॉन्स को और इन्फेक्शन को फैला दिया लंग टिश्यू में, एंड देयर विल बी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस यहां पर स्टार्ट हो गया है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस यहां पर स्टार्ट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ऐसा कैसे होता है, कैसे माइकोबैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड करता है, कैसे वहां सर्वाइवल हो पाता है, कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काम कर पाता है। तो इन स्टेप्स में पहला हमारा जो स्टेप है जिसके थ्रू माइकोबैक्टीरियम शुरुआत करता है इंफेक्शन की, एंड स्टेप इज एंट्री ऑफ माइकोबैक्टीरियम इन पल्मोनरी एल्वोलाई। माइकोबैक्टीरियम की एंट्री पल्मोनरी एल्वोलाई, तो इस स्टेप में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए ये हमारा ये माइकोबैक्टीरियम है, ये माइकोबैक्टीरियम है। अब ये एंटर कर रहा है, ये माइकोबैक्टीरियम यहां पर एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है यहां पर पल्मोनरी एल्वोलाई में, और पल्मोनरी एल्वोलाई में ये एंटर कर गया, ये एंटर कर गया पल्मोनरी एल्वोलाई में। अब हम यहां पर पूरे इम्यून सिस्टम की यहां पर मैकेनिज्म समझते हैं कि नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पहले हम इसको नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्या नहीं कर पाता वो माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट। तो पहले, अभी आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हो, पहले मैं जो बताने वाला हूं वो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम कलर थोड़ा सा दूसरा चूज कर लेते हैं। तो मान लो ये नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो इनके अगेंस्ट नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यहां पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने लॉस किया मैक्रोफेजेस को लॉस किया, और मैक्रोफेज में जो ये आपके मैक्रोफेज है इनको हम बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। व्हेन मैक्रोफेज डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस,
इट कैप्चर्स, इट फैगोसाइटाइज दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इनटू अ सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये उन पैथोजेंस को, उन बैक्टीरिया को वहां पर डिटेक्ट कर लेगा, फैगोसाइटाइज कर देगा, अंदर ले लेगा, कैप्चर कर लेगा और एक वेसिकल के अंदर, एक वेसिकल के अंदर एनकैप्सुलेट कर देगा और उनको हम बोलते हैं फैगोसोम। वेसिकल को हम क्या बोलते हैं? फैगोसोम। तो अभी हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट किया, मैक्रोफेज ने डिटेक्ट किया और उसको कैप्चर कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद ये कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद इसको एनकैप्सुलेट कर लिया, एक वेसिकल में एनकैप्सुलेट कर लिया, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैगोसोम। इनको हम बोलते हैं फैगोसोम बोलते हैं। जो प्रोसेस थी, प्रोसेस हमारी थी फैगोसाइटोसिस। सो टू इरेडिकेट दिस पैथोजन मैक्रोफेज हैव लाइसोसोम विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अंडर नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स लाइसोसोम फ्यूज विथ फैगोसोम, लाइसोसोम फ्यूज विथ फैगोसोम एंड फॉर्म फैगोलाइसोसोम। फॉर्म फैगोलाइसोसोम इन विच द पैथोजन इज डिसॉल्व्ड विथ एसिड एंड फाइनली गेट्स एलिमिनेटेड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी फिलहाल केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल पैथोजेंस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल पैथोजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट उसके अगेंस्ट वो मैक्रोफेज को लॉन्च करेगा और मैक्रोफेज क्या करेंगे? इसको कैप्चर करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू इसको कैप्चर करेंगे जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं सभी लोग, जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस के थ्रू इसको कैप्चर किया, इसको वेसिकल में एनकैप्सुलेट कर लिया, जिनको फैगोसोम बोलते हैं। दूसरी तरफ लाइसोसोम रहते हैं। फैगोसोम और लाइसोसोम का यहां पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है और फ्यूजन करके फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इन विच द पैथोजन इज डिसॉल्व विथ एसिड एंड फाइनली गेट्स एलिमिनेटेड। और इनमें जो एसिड के थ्रू जो आपके पैथोजन रहते हैं वो वहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे एंड देयर विल बी फाइनली एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेंस। तो ये बात कर रहे थे हम, अदर पैथोजेंस की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर माइकोबैक्टीरियम की, माइकोबैक्टीरियम में एंटर हुआ। अब माइकोबैक्टीरियम वाले केस में थोड़ा सा यहां पर अलग होने वाला है। यह ट्यूबरक्लोसिस वाले केस में अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस वाले केस में ऑर्गेनिज्म अलग है। अब ये नॉर्मल पैथोजन नहीं है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो यहां पे फैगोसाइटोसिस तो हो जाएगा। ये आपकी, ये रेड कलर से मैंने बना दी, ये माइकोबैक्टीरियम है तो फैगोसाइटोसिस तो यहां पे हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस हुआ, ये जो इनसाइड द फैगोसोम आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम यहां पर ये पहुंच गए, माइकोबैक्टीरियम यहां पर पहुंच गए। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो फैगोलाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है, फैगोलाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो पाएगा। मींस देयर विल बी इनहिबिशन इन दिस स्टेप ऑफ फ्यूजन, दिस स्टेप विल बी इनहिबिटेड इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम, इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला ये आता है हमारे दिमाग में, ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम
नॉर्मल पैथोजेंस को एलिमिनेट कर रहा था, हाइड्रोलाइज कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था, वही इम्यून सिस्टम माइकोबैक्टीरियम को क्यों इनहिबिट नहीं कर पा रहा है, माइकोबैक्टीरियम को क्यों हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहा है, डिग्रेड नहीं कर पा रहा, उसका कारण है ये वाला स्टेप यहां पर नहीं हो पाता। देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ दिस स्टेप ऑफ फ्यूजन, सो फ्यूजन स्टेप विल बी इनहिबिटेड। फ्यूजन वाला जो स्टेप है ये क्या रहेगा, यहां पर इनहिबिटेड रहेगा, फ्यूजन यहां पर नहीं हो पाएगा। और अगर फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो जो फैगोलाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मींस जो पैथोजन डिसॉल्व हो रहे थे एसिड में और एलिमिनेट हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। सो इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फ्यूजन इज इनहिबिटेड एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द मैक्रोफेज, इनसाइड द मैक्रोफेज दे रिमेन प्रोटेक्टेड विदाउट बींग डिटेक्टेड बाई इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम उनको फर्दर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फ्यूजन इज इनहिबिटेड एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द मैक्रोफेज विदाउट बींग डिटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम। सो अल्टीमेटली इन दिस कंडीशन बैक्टीरिया शोज रेप्लिकेशन, माइकोबैक्टीरिया शोज रेप्लिकेशन, माइकोबैक्टीरिया रेप्लिकेट्स इनसाइड द मैक्रोफेज एंड इट्स द प्राइमरी इन्फेक्शन एट द टाइम एंड दिस इज कॉल्ड मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म, मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म, दिस इज कॉल्ड मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म, इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां नॉर्मल पैथोजन फैगोसोम के अंदर एनकैप्सुलेट हो रहा था, उसका लाइसोसोम के साथ फॉर्मेशन हो रहा था, फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था यहां पे, और वो वहां पे डिसॉल्व हो रहा था, हाइड्रोलाइज होके एलिमिनेट हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ये फ्यूजन वाला स्टेप इनहिबिट हो जाएगा, फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इनसाइड द मैक्रोफेज इसका रेप्लिकेशन होगा और वो सर्वाइवल उसका बढ़ता रहेगा। और ये प्राइमरी इंफेक्शन है, इसको हम बोलेंगे मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म। तो प्राइमरी इंफेक्शन के बाद अगर हम बात करें लगभग 3 सप्ताह बाद, 3 वीक्स आफ्टर प्राइमरी इंफेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस इम्यून सेल्स एंड इम्यून सेल्स सराउंड, इम्यून सेल्स सराउंड साइट ऑफ इन्फेक्शन, थ्री वीक्स आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस इम्यून सेल्स एंड इम्यून सेल्स सराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड फॉर्म ग्रैनुलोमा and form granuloma. So this is the second step, formation of granuloma. 3 सप्ताह बाद लगभग जो primary infection हुआ था, पहले हमने देखा जो primary infection हुआ उसके बाद immune system जो रहता है वो immune cells से site of infection को surround कर देता है and there will be formation of granuloma. वहां पर granuloma का formation होगा। तो यहां पर अगर हम देखें 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन, 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने यहां पे साइट ऑफ इन्फेक्शन को सराउंड किया और इसे इम्यून सेल से उसको सराउंड किया, यहां पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है
ग्रेनुलोमा का, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा देयर इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दैट एंड दिस टाइम दिस इज नोन एज घोन फोकस एंड दिस टाइम दिस इज नोन एज घोन फोकस. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 हफ्ते के इंफेक्शन के बाद जो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा वो ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा. इम्यून सेल सराउंड कर लेंगे, इस पर ग्रेनुलोमा फॉर्म करेंगी. जो ग्रेनुलोमा के फॉर्मेशन के बाद देयर इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दिस टाइम दिस इज नोन एज घोन फोकस. इसको हम क्या बोलते हैं, घोन फोकस. वेन घोन फोकस इन्वॉल्व्स नियर बाय लिम्फ नोड, जो भी इसके पास में कोई लिम्फ नोड रहेगी, नियर बाय लिम्फ नोड वेन घोन फोकस इन्वॉल्व नियर बाय लिम्फ नोड टू द इन्फेक्शन इट इज कॉल्ड घोन कॉम्प्लेक्स. पहले हमने देखा था जब ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद वहां पर टिश्यू नेक्रोसिस होता है जिसको बोलते हैं घोन फोकस. अगर घोन फोकस अपने पास के किसी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है तो वहां जो फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, घोन कॉम्प्लेक्स. एंड देन ग्रेजुअली देयर इज फाइब्रोसिस, और धीरे धीरे वहां पर फाइब्रोसिस होगा एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ घोन कॉम्प्लेक्स. फाइब्रोसिस होगा और घोन कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा. और जब घोन कॉम्प्लेक्स का कैल्सिफिकेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे रैंक कॉम्प्लेक्स. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर 3 वीक्स आफ्टर प्राइमरी इंफेक्शन सेल इम्यूनिटी इम्यून सेल्स सराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन फॉर्म ग्रेनुलोमा एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा देयर इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दिस टाइम दिस इज नोन एज घोन फोकस. घोन फोकस इन्वॉल्व नियर बाय लिम्फ नोड एंड दैट इज नोन एज घोन कॉम्प्लेक्स. देयर विल बी फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ घोन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज नोन एज रैंक कॉम्प्लेक्स. दिस इज नोन एज रैंक कॉम्प्लेक्स. सो एट दिस स्टेज आइदर देयर इज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और इट गोज टू द डॉर्मेंट स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. सो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में या तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, और अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, अगर एलिमिनेट नहीं करता है तो यहां पर एक डॉर्मेंट स्टेज आ सकती है. और वो अगर ये डॉर्मेंट स्टेज में रहा तो जैसा कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस. और अगर ये डॉर्मेंट स्टेज नहीं रही तो लगातार ये कंडीशन क्रिएट करता रहेगा, नेक्रोसिस करता रहेगा, धीरे धीरे करके वहां पूरे लंग में ये फैल जाएगा, हर पल्मोनरी एल्वोलाई में ये फैल जाएगा, लंग्स में ये फैल जाएगा, लंग्स के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करेगा और एक टाइम के बाद फिर आदमी को सर्वाइवल में मुश्किल हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. हाँ, लेकिन अगर वो यहां पर डॉर्मेंट स्टेज में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. दिस इज नोन एज लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. तो ये कंप्लीट यहां पर हमने ये देखा कि कैसे इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद कैसे वो फैला, कैसे उसने अपने सर्वाइवल को बढ़ाया, कैसे उसने फ्यूजन को वहां पे रोका. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, जैसे कि हमने देखा कि फ्यूजन को कैसे रोक पा रहा है, या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कैसे जो माइकोबैक्टीरियम है वो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम कर पाता है. सो
ट्यूबरक्लोसिस वर्सेस इम्यून सिस्टम, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कमजोर पड़ जाता है। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इम्यून सप्रेशन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हमने ये देखा था वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो था फ्यूजन, फैगोसोम का लाइसोसोम का फ्यूजन। अगर वो फ्यूजन अफेक्ट हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ट्यूबरक्लोसिस अपने आप को मजबूत साबित कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। इन मैकेनिज्म में पहली मैकेनिज्म जो आती है वो है इनहिबिशन ऑफ फैगोसोम मैच्योरेशन, और इसमें स्पेशली जो इंक्लूड किया जाता है वो है आपका एसिडिफिकेशन इनहिबिशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन वी एटीपेज pump the proton into phagosome and increase the acidity of phagosome. Phagosome की acidity को बढ़ाता है, वहां पर एक pump काम करता है, but mycobacterium release the proteins called PTPA proteins, bind subunit of that pump and inhibit the activity of VATPase, no acidification. Acidification वहां पर नहीं हो पाएगा, तो acidification को रोक देगा, acidification को रोक देगा मतलब जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाएगा। तो पहली मैकेनिज्म मानी जाती है इनहिबिशन ऑफ फैगोसोम मैच्योरेशन। इनको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना भी याद रखेंगे इनहिबिशन ऑफ फैगोसोम मैच्योरेशन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मानी जाती है। दूसरे जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर रहे थे वो मैकेनिज्म है आपकी इनहिबिशन ऑफ फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन। Inhibition of phagolysosome formation means inhibition of fusion of phagosome and lysosome, phagosome lysosome का fusion ना होने देना, ये दूसरी mechanism। पहले हमने देखा acidification रोक दिया, acidification नहीं होने दिया मतलब जो mycobacterium है वो वहां पर degrade नहीं हो पाएगा, वो वहां पर dissolve नहीं हो पाएगा, वो eliminate नहीं हो पाएगा। यहां पर जो phagolysosome का formation था उसी को रोक दिया, fusion को रोक दिया। तीसरी mechanism जो है यहां पर वो है इनहिबिशन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। इनहिबिशन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोडक्शन बाय मैक्रोफेजेस। इंटरफेरॉन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया बाय मैक्रोफेजेस में सी जो गैसी गैस मॉलिक्यूल जो मैक्रोफेज है उनके बारे में बात की गई इसमें। तो तीन मैकेनिज्म यहां पर है, पहली मैकेनिज्म इनहिबिशन ऑफ फैगोसोम मैच्योरेशन, एसिडिफिकेशन को इनहिबिट कर दिया मतलब सर्वाइवल बढ़ गया वहां पे। दूसरा फ्यूजन को रोक दिया, फ्यूजन को रोक देंगे तो अपने आप फैगोलाइसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, फैगोलाइसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे बोला जाता है कि रेफाइट प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, तो उसके काम को ये नहीं कर देते, उसका एक्सचेंज कर देते हैं दूसरे प्रोटीन के साथ में, तो रेगुलाइजोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तीसरा है जो आपका इनहिबिशन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोडक्शन बाय मैक्रोफेज, इसमें बोला जाता है कि जो अगर इस पाथवे को आप ब्लॉक कर देंगे तो वहां पर कोई डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, कोई लाइसिस नहीं हो पाएगा, फॉरन जो डीएनए रहेगा, फॉरन जो बैक्टीरिया रहेगा उसका लाइसिस नहीं हो पाएगा, कोई डिटेक्शन भी वहां पर नहीं हो पाएगा। सो देयर विल बी नो डिटेक्शन, नो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट फंक्शन। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज लीडिंग टू द मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म, और वहां पर मैक्रोफेज पैरासाइटिज्म हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपका ट्यूबरक्लोसिस जो रहेगा वो मजबूत हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम यहां पर कमजोर हो गया। तो इस वीडियो में हमने यहां पर देखा कि कैसे ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारे अंदर सर्वाइव कर पाता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट कैसे काम करता है, कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को ये कमजोर, एक तरह से कमजोर साबित कर देता है अपने सामने, जिस तरह से अपने खुद के सर्वाइवल को बढ़ाता है, खुद के रेप्लिकेशन को बढ़ाता है, धीरे धीरे बॉडी को डिग्रेड करता जाता है, डिग्रेड बॉडी के फंक्शन को कमजोर करता जाता है। दो पार्ट हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम पहला पार्ट हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेकंड पार्ट जो हमने यहां पर देखा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और लास्ट पार्ट जो यहां पर रहेगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो आप लोगों को एक बार फिर से ये देखना है सारा, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि कैसे सर्वाइव करता है ट्यूबरक्लोसिस हमारे अंदर, ताकि हम इसका ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पे जाके हमारे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं www.pharmasapiens.com पे। थैंक यू।